बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। द्वितीय पाठः कक्षा अष्टम। इस पाठ में हम एक कहानी पढ़ेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल लैंग्वेज टीचर फॉर स्टूडेंट्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ये पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। चलिए एक कथा शुरू करते हैं। मैं इस कथा को सुनाऊंगा। आप चाहें तो नीचे लिखा हुआ भाग हिंदी में है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। कस्मिंश्चित बने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनं एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। श्रीगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टः अस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तथा किं करवानि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। भो बिल भो बिल, किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतः। अस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यसि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। यदि त्वं माम् न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयविलं यास्यामि इति। एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मदभयात् न किञ्चित् वदति, अथवा साधु इव इदम् उच्यते भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते
न वाणी च वे पतुश्चादिको भवेत। तदहम आह्वानम करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा श्रीगालस्य आह्वानं करोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रीगालम् आह्वायत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। श्रीगालः अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। अनागतं य कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोति अनागतम्। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इस तरह से ये संस्कृत में कथा थी, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इस कहानी को आपने संस्कृत में पढ़ा, घर में बैठ के आप भी इस कहानी को संस्कृत में पढ़ने का अभ्यास करें। हिंदी में इसका अर्थ मैंने साथ साथ में लिखा है, आप उसे भी पढ़ें और गुनगुनाएं। और हमारे चैनल लैंग्वेज टीचर फॉर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।